अयोध्या में कल आयोजित होने वाले दीपोत्सव के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और इन तैयारियों के बीच कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट की बैठक भी अयोध्या में की थी। अनेक सारे प्रस्ताव इस कैबिनेट में पास किए गए हैं। खासतौर पर अयोध्या क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया गया और अयोध्या के विकास के लिए कई परियोजनाओं का भी प्रस्ताव किया गया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। है अयोध्या मुदित है, अयोध्या श्रद्धा के रस में भीगी हुई है। कारण साफ है, सातवां संस्करण दीपोत्सव का एक ऐसे वक्त में यहाँ पर संपादित होगा जब भगवान दिनकर अपने अस्ताचल की ओर जाएंगे, तो अयोध्या एक नया इतिहास लिख रही होगी। वह इतिहास होगा दीपों का, वह इतिहास होगा भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का, वह इतिहास होगा राम राज्य में क्या कुछ होता था उसे जानने के लिए। जिला प्रशासन ने अनेक सारी तैयारियां की हैं, जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। क्या कुछ आज और आने वाले दिनों में कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या जिला स्तर पर प्रशासन के स्तर पर तैयारियां हैं, जानते हैं जी। नहीं, हम लोगों ने यहां पर व्यापक तैयारी किया है। यहां राम की पौड़ी का जो मुख्य मंच है और यहां पे हमारे विभिन्न घाट हैं, लगभग 51 घाट पे हम लगभग 24,59,000 दिए लगा रहे हैं और हमारा जो रिकॉर्ड लगभग 21 लाख दिए का बनेगा। और इसके साथ साथ हम लोग 10 लाख दीप विभिन्न मंदिरों, मठों और कुंडों और साथ साथ कुछ विद्यालयों में हम लोग प्रज्वलित कर रहे हैं और हमारे वॉलंटियर्स और डिपार्टमेंट्स के लोग लगे हुए हैं और इसमें जन सहभागिता भी है। सब लोगों को लगाया गया है, जो हमारे मठ के लोग हैं, मंदिर के लोग हैं और जो विद्यालय के हैं उनको भी लगाया गया है। यहाँ विश्वविद्यालय के लगभग 25,000 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो कि इसको इस कार्यक्रम को एक बेहतर रूप से पूरा नियोजित तरीके से कराएंगे। साथ साथ हमारा रामकथा पार्क है, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका प्रसारण किया जाता है, उसमें रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। अभी तक हमारे पास 4 इंटरनेशनल रामलीलाएं आ रही हैं और उसके साथ साथ 21 प्रदेशों की रामलीलाओं का मंचन यहाँ होगा। एक यूनिटी दिखती है कि हम लोग साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं, एक जो एकता हमारी है वो यहाँ पे दर्शाई जा रही है और साथ में जो एक कोऑर्डिनेशन हम लोग का बना हुआ है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अभी जो टोटल हमारा टारगेट है 24,59,000 का टारगेट है, मतलब हम लोग इतना मान के चल रहे हैं कि हम इतना लगाएंगे, 21 लाख का बेसिकली टारगेट है और इतना 3-4 लाख ज्यादा लगा देंगे जिससे किसी प्रकार दिक्कत ना हो। जिस घाट पे आप खड़े हैं, घाट नंबर 10 है। बंधुत्व और सहयोग की इसी भावना के साथ कहीं न कहीं यह हर साल कार्यक्रम आयोजित होता है। आयोजन के साथ ही अयोध्या नित्य नई नवीन रूप में निखर करके आती है और साथ ही भक्ति के प्रति समर्पित उन लाखों लाख सनातन धर्मावलंबियों को वो संतोष प्रदान करती है। अयोध्या संतोष प्रदान करती है। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, DD News अयोध्या।